बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ लेक्चरर इंग्लिश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। क्वेश्चन नंबर वन है, सिल्विया प्लेथ मैरिड विच इंग्लिश पोइट? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर टू है, सर गॉविन एंड द ग्रीन नाइट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पोइम ऑफ डैशेज? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। आगे क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है, कॉल सैंडबोर्ड प्लैंक्ड व्हाइट फिश कंटेन्स व्हाट काइंड ऑफ इमेजिनरी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर फोर है, विच इन्फ्लुएंशियल अमेरिकन पोइट वॉज बॉर्न इन लॉन्ग आइलैंड इन 1819? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। आगे क्वेश्चन नंबर फाइव है, नॉर्मन कन्क्वेस्ट टुक प्लेस इन? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। आगे क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, शेक्सपियर हीरोइंस हैव डैश कैरेक्टरिस्टिक्स? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। आगे क्वेश्चन नंबर सेवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिटरेरी डिवाइस यूज्ड फॉर एस्थेटिक इफेक्ट इन पोइट्री? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, ग्रामर। आगे क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एट है, द कंपेरिजन ऑफ अनलाइक थिंग्स यूजिंग द वर्ड लाइक और एज? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर नाइन है, इन हिज पोइम किपलिंग सेड इफ़ यू कैन मीट विद ट्रम फ्रेंड? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। आगे क्वेश्चन नंबर टेन है, वन रिमार्केबल फीचर ऑफ शेक्सपियरियन कॉमेडी इज दैट इट कंटेन्स कॉन्टिनेंटल एंड डैश बैकग्राउंड? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। आगे क्वेश्चन नंबर अलेवन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अलेवन है, शेक्सपियर मोस्ट फॉर्मिडेबल राइवल एज अ कॉमेडी राइटर वाज? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है, इन 1960 द कोलोसिस वाज द फर्स्ट बुक ऑफ पोइम्स पब्लिश्ड बाय विच पोइटिस्ट? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर थर्टीन है, मार्लो प्रिमिटिव ट्रेजेडी वाज? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। आगे क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है, ड्यूरिंग द एज ऑफ चौसर इंग्लैंड पास थ्रू द फर्स्ट स्टेज ऑफ हर लॉन्ग जर्नी आउट ऑफ? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। आगे क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है, व्हाट इज द अर्लीस्ट सर्वाइविंग यूरोपियन पोइम? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। आगे क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है, द डैश सेंचुरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एपिक इन द इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री ऑफ यूरोप? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। आगे क्वेश्चन नंबर 17 है, द पोइट हु मेक एक्सटेंसिव यूज ऑफ अल्टरेशन इज? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। आगे क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएटिक ट्रेडिशन? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, रेपिटेशन ऑफ द सेम वोवल साउंड इन अ लाइन ऑफ पोएट्री इज कॉल्ड? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। आगे क्वेश्चन नंबर 20 है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डैश सेंचुरी द फोकस ऑफ लिटरेचर बिकम्स ऑलमोस्ट इंटायरली स्कॉलर? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ पोइट्रीज मीटर एंड फॉर्म कॉल्ड? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। आगे क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, द पीरियड फ्रॉम 1660-1790 इज करेक्टराइज्ड बाय द राइज ऑफ? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। आगे क्वेश्चन नंबर 23 है, मिल्टन रोड पैराडाइज लॉस्ट इन? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। आगे क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, शेक्सपियर कंपोज मच ऑफ हिज प्लेस इन व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्ड्स? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 25 है, द सेंट्रल हिस्टोरिकल इवेंट इन द 17th सेंचुरी इज द डैश ऑफ 1642-51? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। आगे क्वेश्चन नंबर 26 है, रेनेसेंस अप्रोक्सीमेटली डेट्स बिटवीन? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। आगे क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच पोइट इन्वेंटेड द कंसेप्ट ऑफ द वेरिएबल फुट इन पोइट्री? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। आगे क्वेश्चन नंबर 28 है, इन डैश पोइट्री गैप बिटवीन द क्रिश्चियन आइडियल्स एंड द रियलिटी ऑफ लाइफ? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। आगे क्वेश्चन नंबर 29 है, चौसर इज अ डैश पोइट? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। आगे क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, हु रोट दिस फेमस लाइन, शैल आई कंपेयर थी टू अ समर डे, सो आर्ट मोर लवली एंड? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। आगे क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, टीएस एलियट पॉइंट द वेस्टलैंड इज डेडिकेटेड टू? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, अज़रा पाउंड। आगे क्वेश्चन नंबर 32 है, द पोइम आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ वाज रिटन बाय? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। आगे क्वेश्चन नंबर 33 है, फ्रॉम व्हाट सेंचुरी डज द पोएटिक फॉर्म द फ्लॉक वैली डेट? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। आगे क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, टी एस एलियट वाज अ एन डैश पोइट? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी।
आगे क्वेश्चन नंबर 35 है, फ्रॉम विच ऑफ शेक्सपियर प्ले इज द फेमस लाइन, डिड माई हार्ट लव टिल नाउ फॉर स्वेयर इट्स ब्यूटी अंटिल दिस नाइट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 36 है, कार्ल सैंडबर्ग अ मॉडर्न पोइट वॉज बोर्न एट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। आगे क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, बाइजेंटियम इज अ पोइम अबाउट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट इज अ पोइम कॉल्ड हुज फर्स्ट लेटर्स ऑफ ईच लाइन स्पेल आउट अ वर्ड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। आगे क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, अ फारफेच्ड मेटाफर इज कॉल्ड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 40 है, वेस्टरिंग हाइट्स अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंग्लिश फिक्शन वॉज रिटन बाय, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। आगे क्वेश्चन नंबर 41 है, हाउ हैज स्टेफन डन बीन डिस्क्राइब इन द एक्सपर्ट कंपेनियन टू 20th सेंचुरी पोइट्री, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। आगे क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, सेपरेट सेक्शंस इन अ ब्लैंक वर्स पोइम आर कॉल्ड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। आगे क्वेश्चन नंबर 43 है, हॉपकिंस इज अ लेट विक्टोरियन सेंचुरी पोइट एंड मेन थीम ऑफ हिज पोइट्री इज द वंडर ही फाइंड गॉड वर्ड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। आगे क्वेश्चन नंबर 44 है, द कैम्ब्रिज स्कूल रेफर्स टू अ ग्रुप हु इमर्ज्ड वेंट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, 1960। आगे क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, डैश इज द यूज ऑफ ओल्ड और एंटीक्वेटेड वर्ड्स इन पोइट्री, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। आगे क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, हु रोट द पोइम द वाइंडिंग स्टेयर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। आगे क्वेश्चन नंबर 47 है, द लेजेंड ऑफ होबी ग्रेल प्रोवाइड द फ्रेमवर्क ऑफ डैश पोइम, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। आगे क्वेश्चन नंबर 48 है, अकॉर्डिंग टू टी एस एलियट यूनिफाइड सेंसिबिलिटी ऑफ डैश वॉज द मोस्ट असीजुअस इमिटेशन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। आगे क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, सी जेनियस इज अ स्पाइरिक ट्रेजेडी बाय, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 50 है, डैश इज कंसीडर्ड टू बी द पायनियर ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक इन मॉडर्न फिक्शन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, वर्जीना वुल्फ। आगे क्वेश्चन नंबर 51 है, गॉथिक नॉवल्स फ्लोरिश्ड इन द लेट सेंचुरी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, 18। आगे क्वेश्चन नंबर 52 है, विलियम शेक्सपियर इज नॉट द ऑथर ऑफ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। आगे क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है, वेटिंग फॉर गॉडो वॉज ओरिजिनली रिटन इन लैंग्वेज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर 54 है, द केयर टेकर इज अ मॉडर्न प्ले बाय, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। आगे क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है, हू रोट कैंटरबरी टेल्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 56 है, फेमस प्ले एवरी मैन इन हिज ह्यूमर इज रिटन बाय, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 57 है, द पोइम यूलिसियस वाज कंपोज्ड इन द फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग बाय, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, टेनिसन। आगे क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है, विच वेलिश पोइट रॉट अंडर मिल्कवुड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। आगे क्वेश्चन नंबर 59 है, साइमन इज अ करेक्टर इन वन ऑफ डैश नॉवल्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। आगे क्वेश्चन नंबर 60 है, द वर्ड लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ टू डैश वर्ड्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। आगे क्वेश्चन नंबर 61 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डिस्क्राइब द प्रवेलिंग एटीट्यूड ऑफ हाई मॉडर्न लिटरेचर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, बोथ ए एंड सी। आगे क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग न्यू वर्ड्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, क्वाइनेज। क्वेश्चन नंबर 63 है, द वर्ड सिमेंटिक्स मीन्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, टू स्टडी मीनिंग। आगे क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है, साउंड्स प्रोड्यूस्ड विद द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर इन द माउथ आर कॉल्ड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, कंसोनेंट्स। आगे क्वेश्चन नंबर 65 है, मार्गरेट एटवुड वाज बोर्न इन विच कैनेडियन सिटी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। आगे क्वेश्चन नंबर 66 है, लिंग्विस्टिक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डैश वर्ड्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। आगे क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है, वेल नाउ मॉडर्न पोइट एलिजाबेथ सेवल वॉज बोर्न इन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 68 है, शेक्सपियर एक्टेड इन वन डैश प्लेस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। आगे क्वेश्चन नंबर 69 है, फील्डिंग सीम्स टू बी मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। आगे क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है, सम ऑफ डैश कैंडिड नॉवल्स वर बैंड इन इंग्लैंड एंड अमेरिका, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। व्यूवर्स, आज की मेरी वीडियो कंप्लीट हो गई है। मैंने आपके साथ इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़।